आप पे डाउट करोगे तो आप अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड है ना, एंटीवायरस को क्या कर रहे हो, डेंजर में डाल रहे हो। और जब ये प्रोटेक्टिव शील्ड पोरस होगी, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ऑल लो वाइब्रेशनल डार्क एनर्जीज बोलो, या फिर देखो ये सब हमारे अपने ही सेल्फ डाउट्स हैं, दिस इज नथिंग बट कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, हमारे सेल्फ डाउट भी हैं, बाहर के लोग भी अटैक करते हैं। तो अपना प्रोटेक्टिव शील्ड हमेशा पहन के चलो। एंड दिस इज अ जनरल स्पिरिचुअल गाइडेंस, इट इज फॉर सलमान फामान, बट इट इज फॉर एवरीबॉडी टू टेक एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी लो की, यहाँ पे हम सर्वाइवल मोड में आ गए, और ये सबके साथ होता है। जहां हम अपनी वाइब्रेशन लो करते हैं, मैजिशियन एनर्जी लो करते हैं, सर्वाइवल मोड में आते हैं। क्यों? क्योंकि सारी नेगेटिव चीजें अब हमारे तरफ अट्रैक्टेड है, चलो इसको अटैक करो, चलो इसको अटैक करो, इसलिए अपना वाइब्रेशन लो कर लिया है। तो यही चीज है। कैन ही डू इट? यस, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक्चुअली ये कार्ड ऐसे होता है, और बेसिकली ये बैक ऑफ द डेक में, व्हाट डज ही रियली वांट? ही वांट्स टू होल्ड हिज सोर्ड लाइक फर्मली, हिज डिसीजन, ही वॉन्ट्स टू होल्ड हिज डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग एंड क्लियर, दिस इज वॉट ही वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ हिज हैंगमैन पोजिशन, ही वॉन्ट्स टू होल्ड हिज डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग क्लियर लाइक अ बॉस। पर यहां पे भी वो होल्ड कर सकता है, यहां पे उसका सीड है। वॉट ही वॉन्ट्स इज दिस, सी वॉट ही वॉन्ट्स इज टू होल्ड हिज सोर्ड लाइक दिस। कैन ही डू दिस? यहां पे उसका सीड है, पर इसको खुद ही इसने एकदम सेम एनर्जी है, देखो ये एनर्जी को इसने लो किया हुआ है, और ये वो करना चाहता है। दिस इज हाउ ही वॉन्ट्स टू होल्ड हिज सोर्ड स्ट्रांग फर्म इन हिज हैंड। इसके हाथ में वो सोर्ड का बीज या सीड ऑलरेडी है, पर ये यहां पे इसको ऊपर करके नहीं बैठा है, ऐसे नीचे करके बैठा है। तो जब यहां पे अंदर में ही नीचे कर रहे हो, तो बाहर का मैनिफेस्टेशन कैसे ऐसे होगा? बाहर का मैनिफेस्टेशन भी तो ऐसे होगा ना, पर ये क्या है, इसकी अंदर की हिडन एनर्जीज है जो वो चाह रहा है। तो अब क्योंकि आपने टैरो गाइडेंस ले लिया है, तो आपको पता चल गया है कि कहां पे वर्क करना है, अपने आप पे विश्वास करना है, अपनी मैजिक पे विश्वास करना है, राइट? ये मैजिशियन एनर्जी कहां से फॉरवर्ड हो रही है? ये पास्ट के ही पॉजिटिविटी से फॉरवर्ड हो रही है। पॉजिटिविटी ऑफ द एम्परर, पॉजिटिविटी ऑफ द सन कार्ड, पॉजिटिविटी ऑफ वॉट, जस्टिस, ऑल थ्री पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब इतना सारा चीज पॉजिटिव है, तो वाई गेट एंड डाउट योर सेल्फ एंड नॉट टेक योर ओन डिसीजन? किंग ऑफ सोर्ड इज अ डिसीजन मेकर, अपने मेंटल बॉडी से डिसीजन करना है। तो वो चीजें हैं। वाई आर यू गिविंग योर पावर अटर्नी टू, और मे बी यू नो वाई आर यू हैंगिंग डाउन योर पावर अटर्नी ऑफ डिसीजन मेकिंग? सोर्ड्स इज अबाउट वॉट? क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक डिसीजन। किंग कौन होता है? जो डिसीजन बनाता है। तो वो चीजें हो गई हैं इसकी। तो अगर ये अपने मैजिशियन एनर्जी, अब ये जैसे कि मानो ये प्रिडिक्शन ले लिया इसने, तो अभी इसका प्रिडिक्शन क्या है? यू आर गुड इनफ टू मेक योर डिसीजन। हाउ डू वी नो दैट ही इज गुड इनफ टू मेक हिज डिसीजन? अरे भाई, मैजिशियन की एनर्जी बनी है, यू आर अननेसेसरली डाउटिंग योर सेल्फ। अपनी मैजिशियन एनर्जी को बाहर लाके डिसीजन मेकिंग करो बुम से, एंड देन यू विल सी दिस ऑल नेगेटिव पीपल कमिंग इन, एंड वॉट यू विल बी टैप्ड इन टू योर पावर। जब ये एनर्जी चेंज किया, तो ये एनर्जी भी चेंज होगी। मैं आपको क्या बताती हूँ, जब आप एनर्जी चेंज करेंगे, तो आप आने वाली एनर्जी भी चेंज करेंगे। तो सेल्फ डाउट करते रहोगे, तो अपोजिशन भी बढ़ता रहेगा। सेल्फ डाउट, अगर ये प्रिडिक्शन है उसकी, ठीक है। अब इस गाइडेंस को लेके वो अपनी एनर्जी चेंज करके, ही कैन क्रिएट, ही कैन बिकम मोर पावरफुल, एंड ही कैन स्टैंड ओवर द सर्कमस्टांसेस विच प्रोबेबली विल इज अबाउट टू कम इन हिज लाइफ, और ही कैन जस्ट सरेंडर एंड लेट थिंग्स हैपन द वे दे आर मेंट टू हैपन। तो ये एनर्जी जो है, ये आ रही है, जो प्रिडिक्टेड है, ये दिस इज कमिंग फ्रॉम हिज पावरफुल लाइनअप फ्रॉम लास्ट वीक। द एम्परर एनर्जी, द सन कार्ड, द लाइट एंड जस्टिस। वहां पे देखो, वो सन के कार्ड में एक बच्चा होता है, बच्चा इज वेरी वाइवेशियस एंड केयर फ्री। ऐसे बैठा हुआ था वो घोड़े पे, जैसे कि उसको केयर नहीं है। पर यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, अभी हम सरेंडर कार्ड में देखेंगे कि क्या आता है, वहां से हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी। पर यहां पे डेफिनेटली सेल्फ डाउट है। तो अगर आप हम सेल्फ, तो यहां पे जब सेल्फ डाउट हुआ है, तो अपोजिशन बढ़ गया है, अट्रैक्ट कर रहे हो आप सैटर्न को। लेकिन अगर हमको पता चल गया कि ओके ऐसी बात है, तो चलो हम अपने पे विश्वास करेंगे, एक्सक्यूज मी, और जब हम अपने पे विश्वास करेंगे, तो वॉट विल हैपन, वॉट कैन हैपन? यू आर रेडी टू फाइट एनी बडी कमिंग फ्रॉम डाउन और फ्रॉम द साइड्स। क्योंकि
क्यों? क्योंकि अब आप कहाँ आ गए हो, यू आर नो मोर अपसाइड डाउन, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, यू हैव अ एज ओवर योर अपोजिशन, यू कैन फाइट इट बैक, चाहे तो कोई इधर से आए चाहे तो कोई इधर से आए, यू आर ऑन स्ट्रॉन्गर ग्राउंड, यू कैन फाइट. वाई? बिकॉज योर मैजिशियन एनर्जी इज इंटैक्ट, यू हैव द किंग पावर. तो वही चीज होती है, आप समझ गए होगे व्हाट आई वांट टू से. अब आगे बढ़ेंगे. These are the energies coming his way. Let's see. We have two important energies there. Will he allow the negativity to take power over him? Power ले रहे हैं ये negativity उसके ऊपर by lowering his magician energy or what it is. Dear angels, can we please get one clarifier for Farman for the coming week? We thank you so very much for this. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Boom. Surrender comparison to other people. क्या आया है? एग्जैक्टली. एक्चुअली इसका कार्ड देखो तो नॉन एक्शन इज इन अपोजिट, यानी कि अपने एक्शंस खुद लो आप. यहां पे क्यों आप मैजिशियन एनर्जी पे डाउट कर रहे हो? कंपैरिजन टू अदर पीपल हो रहा है. कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर सेल्फ. हाउ बूम कैन दैट बी? कीप योर आईज ट्रेन्ड ऑन योर मैजिशियन एनर्जी. ब्यूटिफुल. Focus on your own strength. Wow. Focus on your magician ka strength. Who has a strength of manifesting things as they want other than the magician in the tarot? Attract. Focus on your own strength, attractiveness and power. Apne power pe vishwas nahi. Apne strength pe vishwas nahi. Apni hi protective shield ko doubt karna. Negativity attract karna. एंड ऑफकोर्स यू गो डाउन. तुम पे दुनिया हावी हो जाएगी, नेगेटिविटी हावी हो जाएगी, तुम्हारे सेल्फ डाउट्स हावी हो जाएंगे, तुम्हारा वो यू नो सब चीज हावी होगा तुम्हारे पे. सो दिस इज द गाइडेंस. चलो एक पॉजिटिव कार्ड, एक गाइडेंस ले लेते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए. मॉर्निंग एफर्मेशंस करो. सी यहां पे ही वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट समथिंग, that project or whatever. So kya bola gaya hai? Say positive affirmations to open the gates of manifestations. To wahi sari cheeze hain, wo jo justice ka tha, sunshine kar raha tha, kuch projects hain jo doubt ho raha hai kya kare, to wo sari cheeze lag rahi hain. Okay, I will do one thing. I will give you another guidance from here to exactly help you understand what kind of action step he should actually take, which I also tell my clients. So, what is one action step that he should take actually? We have the card. A rebirth is assured. A rebirth is assured. यहाँ पे देख रहे हो death का card. Something that he is thinking has ended has a chance. And this is mostly like his self doubt. Oh my God, reclaim your power. Do you see this? Just as I finished, it is mostly his self-doubt. I turn the deck and see this panther at the back of the deck. Reclaim his power. He needs to reclaim his power. Stop surrendering and comparing to people. Yahan pe bhi wahi cheez hai na? Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strength, attractiveness and power. Apne power pe vishwas karo. You are more powerful than you think. Reclaim your power. ये जो power तुम जाने दे रहे हो ना, it can help you. It is gold. It is pure gold. But जब तक हम उस power को जाने नहीं, पहचाने नहीं, how can we use it? So this is what it is. Panther spirit. Reclaim your power. Yes, it is possible. Nothing is dead. So this is the guidance coming for Farman for the coming week, guys. ठीक है? Do let me know your thoughts and I will see you again next week. Bye for now.